ये बड़ी खबर है बुलंदशहर से। वाईफाई लगाने के बहाने घर में घुसकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। स्वाट टीम व देहात पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की कई वारदातों का किया है खुलासा। लुटेरों के कब्जे से सोना चांदी गहने और 69,000 रुपये, 2 बाइक व तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए राजीव बारा, शिवम और राकेश पर दर्ज हैं 5-5 आपराधिक मुकदमे। गत 19 सितंबर को नौरंग कॉलोनी में डॉक्टर दंपत्ति के घर में की गई थी लूटपाट। बुलंदशहर कोतवाली व देहात पुलिस स्वाट टीम ने इन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जो लोग वाईफाई लगाने के बहाने घर में घुसकर लूटपाट करते थे, उस गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया है। पहले थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक नवनिर्मित मकान में कुछ लोग वाईफाई लगाने के नाम पर अंदर घुसे थे और वहाँ पे एक लड़का जो घर में रह रहा था उसे एक कमरे में बंद करके उसके घर के जो आभूषण वगैरह थे वो लेकर चले गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत करते हुए SOG और कोतवाली देहात की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से घटना में जितना भी सामान गया था वो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक परिचित के माध्यम से ये घर इन लोगों का देखा हुआ था, जिसके आधार पर इन लोगों ने रेकी करी और उसके बाद घटना करी। इस पूरे घटना के अनावरण में 150 से अधिक CCTV कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर इनका रूट ट्रेस किया गया और कुछ हमारे पास ऐसे CCTV फुटेज आए जिनसे कि इनकी शिनाख्त हो सकी। उस आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिल था वो भी इनसे बरामद किया गया। इनके पास से कुछ अवैध असलहे और कुछ आधार कार्ड मिले हैं जिनका हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं। पूछताछ और बरामदगी के आधार पर इन तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनका एक और साथी था जो कि वर्तमान में नोएडा जेल में है, उसको भी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके उससे भी पूछताछ करेंगे और अग्रिम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे।